तुम मांगे मांग के पेट भरो। थारा ठीक गुजारा हो से हेरे के जानो तुम बहन न भाई कितना प्यारा हो से प्यारा हो से। पहली बात में सुनेगा वो चंद्रावल रोके किस तरह से अपने भाई से कहते हैं, सुनेगा रागनी ने क्या बताया। हेरा पांच सात दिन भेजी जा से, पांच सात दिन भेजी जा से, हो मुकला व्याह से कम बोले और शर्मावे चुके सुख सब भोजन खासे, कम बोले और शर्मावे चुके सुख सब भोजन खासे। मेरे याद सतावे पियर की जब लगे कुटा में किटासे, सूखे धान हरे हो जा जब भाई ले वड़ जासे, सूखे धान हरे हो जा जब भाई ले वड़ जासे। मेरे पीठा गाल बैठ जा जड़ में, मेरे पीठा गाल बैठ जा जड़ में, बतियाना प्यारा हो से के जानो तुझ बहन न भाई कितना प्यारा हो से, के जानो तुझ बहन न भाई कितना प्यारा हो से। कोई जगत में नहीं होती है। जब वो अपने बच्चों की शादी करती है पटड़े पे खड़ी लिखाती है, कद मेरा भाई आएगा, कद मेरा भाई भात देगा। दूसरी गली के माध्यम से चंद्रावल रोने लग जाती है, भात के बारे में के कहना ही। हेरे भाई जैसी चीज जगत में, भाई जैसी चीज जगत में, नाटो है सपावे सो सो बेरा करा करे जब बेटा बेटी ब्याहवे, ओ सो सो बेरा करा करे जब बेटा बेटी ब्याहवे। मेरे पाठ दिखा के मत ना आइए भात नोत समझावे, जब तक भाती ना आवे दिके रागुण पे न पावे, ओ जब तक भाती ना आवे ना रागुण पे न पावे। मेरे बाता में से बातिल कर जा, बाता में से बातिल कर जा, जुड़ा भाई जा रहो से क्या जानो तुम बहन न भाई कितना प्यारा हो से, प्यारा हो से।
में हमारी माताएं बहनें बैठी है, भली बात ही हमारी माताएं बहनें जानती है कि जिसके भाई नहीं होता वो बहन जानती है, और जिसके भाई नहीं होता उसकी तो कोई शादी करने के लिए तैयार भी नहीं होता कि इसके भाई नहीं है। अगर गलती से हो भी जाती है, जब सब मुंह देखने वाली आती है, अगर पड़ोसन कहने लग जाती है भाई बहू भी बहुत सुंदर, माल भी बहुत दिया, लेकिन बहू का भाई ना है, सजना वो चंद्रावल दूसरी बात में तीसरी बात में किस तरह से रोने लग जाती है। क्या कहती है भला? रे बिन भाइयों की बहनों की कोई, बिन भाइयों की बहनों की कोई, ओटे सगाई कोन्या, सास ससुर के दान दिए की मान बढ़ाई कोन्या, सास ससुर के दान दिए की मान बढ़ाई कोन्या। फिर अगर पड़ोसन कट्ठी हो जा तड़े लुगाई कोन्या, सके हो से इस बहू के भाई को प्राण दिए, सके हो से इस बहू के भाई को फिर पैना बोल दे चीर गात ने, पैना बोल दे चीर गात ने, सतेज तुम्हारा हो से के जानो तुम बहन भाई कितना प्यारा हो से, के जानो तुम बहन भाई कितना प्यारा हो से। साथियों समय समय पे भाई, पहले तो ये बताओ दादा, अगर रागड़ी अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, और ये लग रही है कि वे बालक मेहनत कर रहे, तो जोरदार तालियों से आशीर्वाद दे दो आप, जोरदार तालियों से। और इस दुनिया में, इस संसार में समय पे हर चीज की जरूरत पड़ती है, समय के भाई की जरूरत पड़ती है, समय पे अपनी औरत की जरूरत पड़ती है, समय पे बेटा बेटी की जरूरत पड़ती है। वो चंद्रावल रोने लगी, रे भाई अरे मेरे तो अकेला भाई है, और जब पटड़े पे खड़ी होकर मैं चारों तरफ लिखाऊंगी तू नजर नहीं आएगा, तो तू उस समय को याद कर मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। चौथी कली में क्या कहती है सुनिए, चौथी कली में क्या बताया भला। मेरे भाई बिना न सरे जगत में, भाई बिना न सरे जगत में, और चीज बिन सर जा, घर घर के तिफिरा करे जब भाई परदेश बिगड़े जा, घर घर के तिफिरा करे जब भाई परदेश बिगड़े जा। फिर थोड़े दिन में चिट्ठी आवे पांच का पेट भर जा, वाहे राड कभावे जिसका माँ का चाया मर जा, वाहे राड कभावे जिसका माँ का चाया मर जा। श्री देवी दत्त के प्यार बहन का, देवी दत्त के प्यार बहन का, एक सच्चा द्वारा हो से के जानो तुम बहन भाई कितना प्यारा हो से, के जानो तुम बहन कितना प्यारा हो से। मांग मांग के पेट भरो रे, मांग मांग के पेट भरो तारा ठीक गुजारा हो से, के जाने तुम भाण भाई कितना प्यारा हो से, के जाने तुम भाण भाई कितना प्यारा हो से। रे इतना दर्द गुरु छेले पे, या सहना मुश्किल हो जाएगा। हे रे गोपी चंद
करूं छिल पे सहना मुश्किल हो जाएगा। पर गोपी चंद पे प्याही तेरे गोपी चंद पे प्याही दे मां कहना मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द करूं छिल पे सहना मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में क्या कह दूंगा ओ इज्जत का मोल तोल मैं किस तरिया मां कह दूंगा। ओ इज्जत का मोल तोल मैं किस तरिया मां कह दूंगा। मेरा खटचा धम ईमान गुरु जो राह को बेराह कह दूंगा। मैंने जिसते फेरे साथ लिए उसे किस दरिया मां कह दूंगा। जिसते फेरे साथ लिए उसे किस दरिया मां कह दूंगा। मेरे चौदस के चंद्रमा पे गुरु चौदस के चंद्रमा पे गुरु कहना मुश्किल हो जाएगा। मेरे गोपी चंद पे ब्याही दे रे गोपी चंद पे ब्याही दे मां कहना मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द गुरु छिल पे सहना मुश्किल हो जाएगा। सोचने लगा कि मुझे पता नहीं था मेरी माँ ने तो जोग धारण करवाया था। ये पता नहीं था कि मुझे ऐसा काम भी करना पड़ेगा। मुझे अपनी रानी से माँ कह करके भिक्षा लेनी पड़ेगी। दूसरी कली में क्या कहने लगा क्या बताया भरा मन के बेरा था मात मेरी मन के बेरा था मात मेरी मन सब दरिया ते खोवेगी। बेटा बना फकीर आप खुद सुख निद्रा में सोएगी। बेटा बना फकीर आप खुद सुख निद्रा में सोएगी। मेरी पारे कन्या सिर फोड़े मेरी पारे कन्या सिर फोड़े और सोने रहनी रोवे के बेरा था साथ मेरे यू अड़हड़ी भी होवेगी। के बेरा था साथ मेरे यू अड़हड़ी भी होवेगी। मेरे गंगा जल का उत्तर को गुरु गंगा जल का उत्तर को गुरु बहना मुश्किल हो जाएगा। मेरे गोपी चंद पे क्या ही तेरे गोपी चंद पे क्या ही दे कहना मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द गुरु छिल पे सहना मुश्किल हो जाएगा। जोग लेना बहुत कठिन है। 10 इंद्रियों को मन में बस में करना पड़ता है। घर परिवार छोड़ना पड़ता है। सारे रिश्ते नाते छोड़ने पड़ते हैं जब संन्यास में प्रवेश किया जाता है। सुनिए तीसरी कली में भगत जी
तीसरी कली में कवि ने कितनी गहरी बात लिखी है, सुनिए जरा क्या बताया। दस इंद्री मन बुद्धि से परे, दस इंद्री मन बुद्धि से परे, हर का धाम बताया। रोम रोम में, रोम रोम में रम्या हुआ खट्टे, खट में राम बताया। रोम रोम में रम्या हुआ खट्टे, खट में राम बताया। मेरे भजन करण का काम गुरु ने आठोया बताया। पर प्याही को मां कहने का गुरु कहना काम बताया। प्याही को मां कहने का गुरु कहना काम बताया। ये दुनिया कर्म खोले जगत में, दुनिया कर्म खोले जगत में, रहना मुश्किल हो जाएगा। पर गोपी चलते प्याही तेरे, गोपी चलता प्याही ने मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द गुरु चिल में सहना मुश्किल हो जाएगा। राजपाठ छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके, शाही वस्त्र तार करके भगवा बाणा लेना बहुत कठिन बताया है। ये हासी खेल नहीं है। चौथी कली में कवि ने किस तरह से तोड़ कर रखे बताया भला। शाही वस्त्र तार भगवा, शाही वस्त्र तार भगवा, साथी राजबल टेम गुरु तेरी काट गया छाया में। साथी राजबल टेम गुरु तेरी काट गया छाया में। गुरु भिक्खू राम का लटन सिंह सरे उधर रहा पाया में। राम भजन में लगता न मन भटक रहा माया में। राम भजन में लगता न मन माया का मस्ताना हाथी कहना मुश्किल हो जाएगा। पर गोपी चलते प्याही ने रे, गोपी चलते प्याही ने मां कहना मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द गुरु चिल पे सहना मुश्किल हो जाएगा।
के देहाती जगत के वो कलाकार जिन्हें आप रेडियो टेलीविजन आकाशवाणी दूरदर्शन नेट के माध्यम से देखते सुनते रहते हैं, हमारी टीम के सबसे सीनियर कलाकार आदरणीय गुरुजी कृष्ण खटाना जी भराना जिला बुलंदशहर और उन्हीं के साथ उनकी सहगायिका मैडम रितु चौधरी जी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाती है, सभी से उनके सम्मान में जोरदार ताली। और आइए किस तरीका से ऊधम सिंह को उकसाते हुए किस तरीका से क्या कह रहे आइए। श्री कृष्ण के भई अर्जुन ते न्यू प्यार में, और ऐसा कलयुग आएगा संसार में, हो संसार में। हे श्री कृष्ण के अर्जुन तेरे प्यार में, और ऐसा कलयुग आएगा संसार में, ओ संसार में।
शर्म किसी के पावे ना, बेशर्मी पैदा हो जागी, शर्म किसी के आवे ना, हे बेशर्मी पैदा हो जागी, शर्म किसी के आवे ना, हे संध्या तर्पण हवन गायत्री, कर्म किसी के पावे ना, सबकी रहे उजागर गाथा, कर्म किसी के पावे ना, पलकारी होंगे मीठ मासदा रुदावत में सब मांसाहारी होंगे, मीठ मासदा रुदावत में सब मांसाहारी होंगे, हे बेईमानों की बात चलेगी गुंडे अधिकारी होंगे, रुष्पत के संग चले कचहरी खोटे नकारी होंगे, रुष्पत के संग चले कचहरी जिसम में के गे हो, जिसम में के गे क्रियाओं के बाजार में, अरे ऐसा कलयुग आएगा संसार में, हो संसार में, ये बात वही तीर कमान नहीं होंगे, टाइम बम के लगे मोर्चे तीर कमान नहीं होंगे, भाई लोग पढ़ेंगे फिल्मी पुस्तक वेद पुराण नहीं होंगे, अरे गौ माता साधु का आदर जग में सम्मान नहीं होंगे, गौ माता साधु का आदर जग में सम्मान नहीं होंगे, अरे ना पावेगा हो पत्नी संग प्यार में, अरे ऐसा कलयुग आएगा संसार में, ओ, 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 ओ संसार में, बहु करावेगी चारों प्रण बदले जाएंगे जब नारी जाति आवेगी, चारों प्रण बदले जाएंगे जब
की माँ दुर्गे लाज बचावेगी। हे अलीपुर में राम भूल की माँ दुर्गे लाज बचावेगी। अरे नैया डामा हो क्योंकि हमारे भगतजन कांवर लेके आ रहे हैं और बाबा के पावन मंदिर पाकर किस तरीके से बाबा ने कह रहे हैं, ओ मेरे बाबा भोले भाले, ओ मेरे बाबा डमरू वाले, ओ मेरा जीवन तेरे हवाले से शंकर भोले भाले, ओ मेरा जीवन तेरे हवाले से शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले मेरे बाबा डमरू वाले, ओ मेरा जीवन तेरे हवाले से शंकर भोले भाले, ओ मेरा जीवन तेरे हवाले शिव शंकर भोले भाले। निवेदन है, जब भी कोई कलाकार गावे सूरज भाई नेत्र भाई, भाई संगीत को इतना मीठा का बजा के लाओ बहुत, जो कि सब लोगों तक हमारे शब्द पहुंचे, नहीं फिर हमारा गाने का भी कोई फायदा नहीं, आपका सुनने का भी कोई फायदा नहीं है। भाई मेरी बात को सुभाष भाई, क्योंकि तुम जो नकारे पर ज्यादा ध्यान देते हो, आइए किस तरीके से क्या बता दिया। दादाजी, हाँ दादाजी, वेत वाले भी बतला रहे हैं, आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। दादाजी समझ में तो आ रहा है भजन, भाई सभी की समझ में आ रहा है भजन, तो एक बार हमारे कलाकारों के लिए जोरदार ताली हो जाती है, सभी की तरफ से जोरदार ताली, और आइए तीसरी गली के माध्यम से क्या बता दिया।
प्यास लगी मेरे मन में, पा जाऊं तेरे दर्शन में। प्यास लगी मेरे मन में, पा जाऊं तेरे दर्शन में। एक आस लगी मेरे मन में, पा जाऊं तेरे दर्शन में। ओ मन अपनी शरण लगा ले शंकर भोले भाले। ओ मेरा जीवन के हवाले शंकर भोले। सन मनावे हो तेरे दर पे शीश झुकावे। ओ मेरी आके लाज बचा ले शंकर भोले भाले। ओ मेरा जीवन के हवाले शंकर भोले भाले। शिव शंकर भोले भाले मेरे बाबा डमरू वाले। ओ मेरा जीवन तेरे हवाले शिव शंकर भोले भाले। ओ जगे सारा अपना यू घर हो से, हे दुनिया में इज्जत का रखना सबसे मोटा कर हो से। मन चंगे से घूम लिए जग सारा अपना घर हो से, हे दुनिया में इज्जत का रखना सबसे मोटा कर हो से। मन चंगे से घूम से कि मन चंगे से घूम लिए जग सारा अपना घर हो से। अरे भाई दुनिया में इज्जत का रखना सबसे मोटा जर हो से। अगर जिस आदमी ने अपने परिवार को अपने सम्मान को रखा लिया उसके बाद सबसे बड़ा जर होता है दादाजी। आइए पहली गली के माध्यम से क्या बता दिया हूं। जो खानदान में टुकला दे वही उससे चले मुकदमा कोर्ट जेल ते, ये पढ़ के कोई खींच नहीं। चले मुकदमा कोर्ट जेल से पढ़ के कोई खींच नहीं। जो कर्ज काट के हाथ हला दे उससे बड़ा हकलीच नहीं। तड़फे आत्मा जल प्यादे कहीं होती ऐसी सीत नहीं। ओ तड़फे आत्मा जल प्यादे कहीं होती ऐसी सीत नहीं। भाई बेशर्मी में हो बेशर्मी में मीच नहीं। आंखों की गिरी नजर हो से, ए दुनिया में इज्जत का रखना सबसे मोटा जर हो से। मन चंगे से घूम जी समझ में तो लाइन आ रही है। तुम बच्चे ने मत देखो, तुम कलाकारों की तरफ देखो। अगर भाई मैंने इस रागनी की सात लाइन उपदेश की सात लाइन आपके समक्ष सुनाई है, अगर भाई वास्तव में समझ में आ रही है तो हमारे कलाकारों के लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए। क्योंकि अब तक 64 भी मिल गया, पैसा तो नहीं आ रहे पर ताली तो बजाते रहे, आशीर्वाद तो देते रहे। हाँ आइए किस तरीका से दूसरी गली के माध्यम से क्या बता दिया।
हे गुरु ज्ञान गुण से बढ़ के कोई जग में वस्तु बहाने नहीं, अन्न रोटी भूखे ने दे दे हे इससे बढ़ के दान नहीं। जो अन्न रोटी भूखे ने दे दे इससे बढ़कर दान नहीं। जो धन दौलत के पाछे भागे पापी से इंसान नहीं, जो घर आए पे मीठा बोले हे बढ़ के को सम्मान नहीं। जो घर आए पे मीठा बोले बढ़ के कोई सम्मान नहीं। भाई उसका कोई हो उसका कोई परेशान नहीं, जिसकी गिरती हुई उम्र हो से ये दुनिया में इज्जत का रखना सबसे मोटा डर हो से मन चंगे से घूम लिए। उपदेश पर खुश होकर के हमारे आदरणीय अंकल जी, आदरणीय अंकल जी भजन लाल जी भाई, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम को हमारे कलाकारों को दिया गया, और मेरे भाई हैं छोटे दोस्त हैं आदरणीय भाई ऋषि जी भाई, उनकी तरफ से भी 91 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं आदरणीय हमारे अंकल जी। हाँ आदरणीय हमारे अंकल जी हैं नेकपाल भगत जी गुरु जी भाई, उनकी तरफ से भी भाई 20 रुपए से हमारी टीम का सम्मान करें भाई, सभी के लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए, सभी की तरफ से जोरदार ताली। और आइए किस तरीके से क्या बता दिया, और आदरणीय हमारे भाई साहब भाई 10 रुपए से वो भी हमारी टीम का सम्मान कर रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते आइए। दादाजी मैंने दूसरी कली के माध्यम से बता दिया कि गुरु ज्ञान गुण से बढ़कर जग में कोई वस्तु मान नहीं, और भाई अन्न रोटी भूखे ने दे दे रे लोगों इससे बढ़कर दान नहीं, और धन दौलत के पाछे भागे पापी से इंसान नहीं, और जो घर आए पे मीठा बोले दादाजी उससे बढ़कर सम्मान नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने अपने माता पिता का सम्मान किया, अपने गुरु का सम्मान किया, उनसे कभी कोई देवी देवता नहीं रूठ सकता, उनसे भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनके घर में माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी दोनों विराजमान रहती है। और आइए तीसरी कली के माध्यम से क्या बता दिया। हे सत्संग धरि भजन बिना क्या बता दिया दादाजी, हे सत्संग धरि भजन बिना नर न्यू ही भटकता फिरा करे कच्चा घड़ा पाप का हो से हे कुछ दिन पाछे जरा करे हो कच्चा घड़ा पाप का हो से कुछ दिन पाछे भरा करे। हे दारू दुश्मन सत्य से नर भाई मेरे साथ मत बोला क्योंकि डबल आवाज हो जाती है फिर, किस तरीके से लाइए मैं बजा कर हूं। हो सत्संग धरि भजन बिना नर न्यू ही भटकता फिरा करे कच्चा घड़ा पाप का हो से हे कुछ दिन पाछे झरिया करे हो कच्चा घड़ा पाप का हो से कुछ दिन पाछे झरिया करे। हे दारू दुश्मन धे सत से नरे बे आई में मरिया करे जो कुकरम के बल चढ़े शिखर पे सदा जगत में गिरिया करे। जो कुकरम के बल चढ़े शिखर पे सदा जगत में गिरिया करे। करे कर्म ने हो करे कर्म ने भरा करे जिसकी चोर जाट करे हो से ये दुनिया में इज्जत का रखना सबसे मोटा डर हो से मर जंगे से घूमिए। और प्रधान जी चौथी गली के माध्यम से बता दिया परिवार के ऊपर प्रमाण देते हुए
भाई किस तरीका का परिवार होना चाहिए, कैसे भाई होनी चाहिए, कैसी नारी होनी चाहिए। भाई चौथी कली को बहुत ध्यान से ज्ञान से सुना, ये क्या बता दिया ले। बहुत अच्छे जहां जीव जीव में प्यार रहे से, जीव जीव में प्यार रहे से, उसका भी परिवार नहीं जो सास ससुर पति सेवा ठावे ऐसी कुलमंती ना नहीं। जो सास ससुर पति सेवा ठावे ऐसी कुलमंती ना नहीं। जहां भाई भाइयों में बैर रहे से, ऊंची कोई दीवार नहीं, केह ब्रह्म पाल कम गम खाए बिन हे इस जग में सत्कार नहीं। केह ब्रह्म पाल कम गम खाए बिन इस जग में सत्कार नहीं। भाई हर का खुल्या हो, हर का खुल्या तो वार नहीं, अधरम की ना भवर हो से, ये दुनिया में इज्जत का रखना सबसे मोटा डर हो से। मन चंगे से सारा अपना घरे हो से, दुनिया में इज्जत का रखना सबसे मोटा डर हो से, मन चंगे से घूम लिए। हाँ हो गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावणिया ही गा दे। ओ गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावणिया ही गा दे। ओ गुरु जी ऐसा माता की बात बता दियो, हे माता की बात बता दियो, सास बता दियो गोरा की, शिव शंकर का गुरु बता, फिर बात करूंगा औरा की, शिव शंकर का गुरु बता, फिर बात करूंगा औरा की। हे अष्टभुज किसकी पुत्री जन करी सहायता चोरिया की, उस साधु का नाम बता, जन करी सवारी मोरिया की, अरे उस साधु का नाम बता, जन करी सवारी मोरिया की। हो मेरे मन का भरम मिटा दे कोई गावणिया ही गा दे। हो गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावणिया ही गा दे। सात लाइन मैंने आपके बीच में सुनाई है कि गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखाते कोई गावणिया ही गाते। वह माता की मात बता दो, सास बता दो गौरा की, शिव शंकर का गुरु बता, फिर बात करूंगा औरा की। अष्टभुजा किसकी पुत्री जनक करी सहायता चोरा की, उस साधु का नाम बता, जनक करी सवारी मोरा की, मेरे मन का भ्रम मिटा दे कोई गावणिया ही गाते, गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे। अगर ये सात लाइनें समझ में आ रही है, अच्छी लगी है, तो एक बार जोरदार ताड़ियों से आशीर्वाद दे। दूसरी कली में क्या क्या पूछा, क्या बताया भला।
हे उस लड़के का नाम बता, हे उस लड़के का नाम बता, जो ना माता के पेट पड़ा, मात पिता ना संके साथी, वह माता ने नहीं घड़ा, मात पिता ना संके साथी, वह माता ने नहीं घड़ा, हे जन्म होते करी लड़ाई, ना कोई सन्मुख हुआ खड़ा, जय जयकार हुई रण में, फिर देवलोक में जिक्र छिड़िया, जय जयकार हुई रण में, फिर देवलोक में जिक्र छिड़िया, हो गुरु जी पेले धर्म की लाते कोई रावणिया ही गाते, हो गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखाते कोई रावणिया ही गाते, और हमारे बीच हमारे परम आदरणीय गुरुजी, जैसा कि मैंने सुबह से कई बार कहा कि इस गांव का मुझे बहुत प्यारा आशीर्वाद इसने मिला, भाई हमारे गुरुजी जवाहर पंडित जी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन्होंने मुझे अपने पास बैठा बैठा के भाई हारमोनियम पे भी हाथ मारने थोड़ा सा सिखाया, और भाई मेरा रिहर्सल गाँव में घर पर जा जा के भी करवाया, भाई हमारे बीच पहुंचे हैं बहुत अच्छे संगीतकार, बहुत अच्छे कलाकार हैं, भाई उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, सभी की तरफ से जोरदार ताली, और गुरु जी एक बार मंच की तरफ आ जाओ, आप एक बार आके मंच की तरफ आशीर्वाद दे जाओ, फिर बैठ जाना उधर जाके, मैं बुलवा रहा हूँ, आप एक मिनट के लिए आ जाओ खड़े होके। और आदरणीय हमारे बाबूजी राजेंद्र भगत जी, जो कि भाई सुबह से व्यवस्था में हमें रास्ते में मिले थे, देख के एकदम प्रसन्न हो गए टीम को, उनका बहुत प्यारा आशीर्वाद इसने मिलता है, भाई उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम को हमारी मंडली को दिया गया, हम बार बार उनका धन्यवाद करते हैं। और हमारे बीच हमारे आदरणीय बीडी जोशी साहब, जो कि भाई हमारा जहाँ कार्यक्रम होता है अपने टीम के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं, बीडी जोशी साहब भाई वो मंच की तरफ आ जाए, तमाम उनकी टीम यहाँ पर पहुंची, हम सभी का यहाँ पर पहुंचने पर भाई इस गांव की तरफ से, मैं अपनी मंडली की तरफ से भाई सभी का बहुत बहुत स्वागत सम्मान करता हूँ। जोहार गुरु जी, आप एक कलाकार हो, इतने नेक भाते, आप आ जाओ मंच की तरफ, आ जाओ, आइए संगीतकार जी भाई बजा के ले। रागनी की तरफ थोड़ा ध्यान देते रहे, मेरा निवेदन है, अभी मैंने दूसरी कली में आपको बताया कि उस लड़के का नाम बता जो ना माता के पेट पड़ा, मात पिता ऐसा कौन सा लड़का हुआ इस दुनिया के अंदर जो माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ, यह भी बता दिया जाएगा आपको, अगली रागनी में कोई दिक्कत नहीं है। उस लड़के का नाम बता जो ना माता के पेट पड़ा, मात पिता ना संके साथी, वह माता ने नहीं घड़ा, जन्म होते करी लड़ाई, ना कोई सन्मुख हुआ खड़ा, जय जयकार हुई रण में, फिर देव लोक में जिक्र छड़ा, गुरु जी बेल धर्म की ला दे कोई गावणिया ही गा दे, तीसरी कली में क्या प्रश्न पूछे, सुनिए क्या बताया भाई। हे बाप के ब्याह में, बाप के ब्याह में बढ़िया बिचौला, हे बाप के ब्याह में बढ़िया बिचौला, वो लड़का कितते आया, कर राक्षस का भेष देवता, कौन से युग जी मणे आया, कर राक्षस का भेष देवता, कौन से युग जी मणे आया, हे अनथल के भंडार भरे, भाई अनथल के भंडार भरे, तेरे झुकिया नहीं भूख का ठाया, चल पर ले में, चल पर ले में कसर रही ना, पीवन ने न चले पाया, चल पर ले में कसर रही ना, पीवन ने न चले पाया, ओ कोई पानी में आग लगा दे कोई
आकाशदीप जी अतरौली से। और संजीव शर्मा जी भुन्ना। अच्छा वो यहाँ पर पहुंचे हैं पूरी टीम की तरफ से और सबकी तरफ से उनका स्वागत करते हैं। कल्याण भाई एक पर्चा पे आराम से लिख ले करो और नाम हमें दे दे करो, हम अपने आप बोलते रहेंगे, फिर हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है जी, आइए ले आइए बजा करके। भगत जी रागनी हो भजन हो, इसमें शब्द प्रधान होता है, शब्द की ज्यादा कीमत होती है। मैं गा भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं, कोई हो सकता है इधर उधर ध्यान चला जाता है, कोई लाइन छूट जाती है, कोई शब्द सुनने में छूट जाता है। तीसरी कली में प्रश्न पूछे कि बाप के ब्याह में बड़ा बिचोला वो लड़का कितने आया, कर राक्षस का भेष देवता कौन से युग जीवन आया, अन्न धन के भंडार भरे फिर झिका नहीं भूखा ठाया, जल परले में कसर रही ना पीवण ने ना जल पाया, कोई पानी में आग लगा दे कोई गावण यही गा दे। अच्छी लगी, समझ में आए तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और चौथी कली को और भी गहराई से सुनना, क्या बताएं भला। ए अपने मन ते प्राण त्याग के, ए अपने मन ते प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया, हुई सवासन पड़ी जरूरत पति मुह में ब्याह न करे वाया, हुई सवासन पड़ी जरूरत पति मुह में ब्याह न करे वाया। फिर उस लड़की का नाम बता भाई, उस लड़की का नाम बता, जन एक पल में पुत्र जाया, पति की सेवा करने लाग गी पुत्र का सर तरे वाया, पति की सेवा कर हो श्री लख नी चंद ने समझा दे कोई कहवणिया ही गा दे, ओ गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई कहवणिया ही गा दे। हो गुरु ने ऐसा ज्ञान हेर सिखाया मैंने, खोल सभा में गाया, हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया मैंने, खोल सभा में गाया, ओ गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया मैंने, खोल सभा में गाया। खोल सभा में गया, पहली रागनी में जो प्रश्न पूछे थे, जो पहली रागनी में पूछे थे कि बह माता की मात बता दो, सास बता दो, गौरा की शिव शंकर का गुरु बता, फिर बात करूंगा औरा की, अष्टभुजा किसकी पुत्री जने करी सहायता चोरा की, उस साधु का नाम बता जने करी सवारी मोरा की। सुनिए इनके उत्तर आपके बीच में मैं सुनाने जा रहा हूं, क्या बताया भला। बह माता
वह माता की मात गायत्री, हे वह माता की मात गायत्री, अनसुईया सास गौरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा, बात करूं इब और की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा, बात करूं फिर और की, हे अष्टभुजा ब्रह्मा की पुत्री, अष्टभुजा ब्रह्मा की पुत्री, जन करी सहायता छोरा की, बालकनाथ इसे साधु जन करी सवारी मोर्या की, बालकनाथ इसे साधु जन करी सवारी मोर्या की, हो जिसे छे और चार का ज्ञान उसकी हो जाती शुद्ध काया, हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मैं खोले सभा में गाया, अनसुईया सास गौरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा, बात करूं फिर औरा की, अष्टभुजा किसकी पुत्री, जन करी सहायता छोरा की, बालकनाथ इसे साधु जन करी सवारी मोरा की, जिसे छह और चार का ज्ञान उसकी हो जाती शुद्ध काया, गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मैंने खोल सभा में गाया। भाई पहली कली के उत्तर सही लगे, क्योंकि बड़े ध्यान से आप सुन रहे हो, आपको यह लग रहा है कि भाई जो भी उत्तर दिए हैं वो बिल्कुल सच है, तो जोरदार ताली आपकी तरफ से आशीर्वाद होना चाहिए। दूसरी कली में कौन था वो लड़का, सुनिए क्या बताया भला। हे उस लड़के का नाम गणेश, हे उस लड़के का नाम गणेश, जो ना माता के पेट पड़ा गौरा मान करी घड़ाई, वह माता ने नहीं घड़िया, गौरा मान करी घड़ाई, वह माता ने नहीं घड़िया, हे जन्म हो तय करी लड़ाई, ना कोई सन्मुख हुआ खड़िया, शिव सेना भी हरा दई न्यू, देवलोक में जिक्र छिड़िया, शिव सेना भी हरा दई न्यू, देवलोक में जिक्र छिड़िया, ओ ज्ञान से ज्ञान से आग बाग महल आया, भोले सभा में गाया, ओ गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मैंने भोले सभा हमें बड़ा बिचौला वो लड़का कित तय आया, कर राक्षस का भेष देवता कौन से युग जीवन आया, झिका नहीं भूखा ठाया। सुनिए ये जो लाइन मैंने आपको सुनाई थी, इनके उत्तर सुनिए तीसरी कली में क्या कवि ने लिखा भाई। हे बाप के ब्याह में भीषम बिचौला, हे बाप के ब्याह में भीषम बिचौला, देवलोक से चल आया, कर राक्षस का भेष गणेश, सतयुग में जी मणे आया, कर राक्षस का भेष गणेश, सतयुग में जी मणे आया,
देवता की हार हुई, वो झिक्या नहीं भूख का ठाया। चल परले में जीव रहे ना, मरता फिर दिसाया। चल परले में जीव रहे ना, मरता फिर दिसाया। हो ऐसा पेड़ धर्म का लाया, भोले सभा में गाया। ओ गुरु ने ऐसा लड़की का चोला पाया। कौन थी जिसने अपने मन से प्राण त्याग दिए? सारा भेद चौथी कली में लिखने वाले कवि ने लिख दिया। सुनिए क्या बताया भला। मेंढकी न त्यागे प्राण तो, मेंढकी न त्यागे प्राण तो, उसका कारण सिद्ध हो गया। मंदोदरी रूप में जन्म लिया, फस मोह में रावण मत हो गया। मंदोदरी रूप में जन्म लिया, फस मोह में रावण मत हो गया। वन जबरन ठाई तहड़े लगाई, जबरन ठाई तहड़े लगाई, एक पल में अंगद हो गया। वारण क्षेत्र में, रण क्षेत्र में नाटी थी, फिर शीश पुत्र का वध हो गया। रण क्षेत्र में नाटी थी, फिर शीश पुत्र का वध हो गया। हो लिया सीख गुरु ने क्या, कपिल ने सारा भेद सुनाया। हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मैंने भोले सभा में गाया। ओ गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मैंने भोले सभा में गाया।